तो गाइस फाइनली अभी मैं खेत में हूँ और खेत में पहुँच गया हूँ। और गाइस मैं भी ये देख सकते गाइस, ये फाइनली हमने महुआ चुन लिया है और काफी टाइम से महुआ चुन रहे थे और एक 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 घंटा हो गया हमारे को एक दिन। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं राहुल आज के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे है 6:30 और अभी मंदिर पे चल रही है आरती, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ मेरी दबी दबी आ रही होंगी, बट मंदिर पे चल रही है आरती। और अभी मैं जाने वाला खेत, क्योंकि तो खेत में देखना है कि महुए गिर रहे कि नहीं गिर रहे। बट अभी मैं जल्दी उठ गया था आज शायद 5:30 बजे और पीछे देख सकते हैं इधर बन रही है चाय, काली चाय। और काली चाय छुड़ गई है और जान शांत रहता है। ये ना बोल सपिन भी कैसे नहीं चाय देख सकते हैं। ये है सक्कर नहीं तच्ची सी में बोने भी अट कब भी सी सिंपल सपिन क्या जा ना फोन फोन मन आप लोग अपने पास दो वाले पागल। तो देख सकते हैं गाइस हमारी काली चाय हो गई है तैयार और इसको करेंगे फिनिश और फिर जाएंगे खेत, क्योंकि और मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा गाड़ी से और अभी चाय फिनिश करते फिर कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली अपन खेत के लिए निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं एक गमेला लेके जा रहे हैं। अगर गिरे होंगे मुँह तो लाएंगे, नहीं तो खाली ला लेंगे। और अपन जा रहे हैं गाड़ी से अपने देख सकते हैं गाड़ी गीली हो गई होंगी बट अभी देखते हैं। और मैं अकेले जा रहा हूँ और कुणाल को देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो गाइस चलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली हम क्या बोलते हैं बाइक लेके निकल चुके हैं घर से और मैं गया था कुणाल के घर पे बट कुणाल मेरे को नहीं मिला और मैं उसके भाई को लेके आया हूँ छोटे आले को विशाल को। और देख सकते हैं गाइस पीछे ये इधर का व्यू सूरज का और अभी कोहरा ही कोहरा दिख रहा है आजू बाजू क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और ठंडी भी लग रही है। बट अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो अभी जब क्या बोलते हैं आगे करता हूँ कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैंने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी अपनी और इधर देख सकते हैं नदी बट यहाँ पे पानी है नहीं। और गाइस इससे आगे मेरी गाड़ी नहीं जाती क्योंकि इधर रास्ता बहुत ख़राब है, देख सकते हैं आप पूरा पत्थर ही पत्थर है। तो मैंने सोचा सिंगल रहता तो मैं चले जाता बट नहीं गया क्योंकि रास्ता ख़राब है। मैंने बोला यहाँ से पैदल चल जाते हैं। और गाइस देख सकते हैं मेरे साथ विशाल क्या बोलते घमेला पकड़ के लाया, उसको पकड़ने के लिए लाया बट क्या था कि अगर मैं अकेला आता था तो मेरे से घमेला भी नहीं संभलता था अगर महुए गिरते थे। बट अभी मैंने विशाल को लेके आ गया तो मेरे साथ एक बातचीत करने वाला हो गया। और अभी देख सकते हैं रास्ता कुछ ऐसा है रास्ता। तो गाइस अभी अपन चलते हैं खेत में और फिर बताऊंगा कि मेरे खेत में कितने महुए के झाड़ है और कितने गिर रहे हैं और कितने नहीं गिर रहे हैं। बट अभी खेत में जाके ही पता चलेगा, अभी तो मेरे को भी नहीं पता कि महुए गिर रहे कि नहीं गिर रहे। बट मेरी मम्मी ने मेरे को 2-3 दिन से बोल रही थी कि खेत में जाके देख अगर महुए गिर रहे होंगे तो बिन के लाना सुबह के टाइम में। बट मैं 2-3 दिन से मम्मी को टाल रहा था कि यार कल जाऊंगा बट कल कभी नहीं आया। और आज मैंने सोचा कि नहीं यार अभी खाली हूँ और छुट्टी भी है क्योंकि पानी आया था अभी परसों के दिन, इस वजह से छुट्टी भी है और काम भी नहीं है कोई। तो मैंने सोचा कि चलो अब आज खेत तरफ से ही घूम के आते। तो गाइस अपन करते हैं अभी ब्लॉग खेत में। तो गाइस फाइनली अभी मैं खेत में हूँ और खेत में पहुंच गया हुआ। और गाइस मैं पीछे बता दूं आपको कि
महुए के झाड़ है इधर, और तीन चार महुए के झाड़ है इधर पीछे, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये ऐसा कुछ खेत है, थोड़ा बंजर टाइप का ही है क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, इस वजह से थोड़ा बंजर ही रहता है। तो देख सकते इधर है ये महुए का झाड़, ये पहला वाला महुए का झाड़ है मेरा, वो सेकंड वाला है और वो थर्ड है। ये तीन महुए के झाड़ है, बट ये एक भी महुआ नहीं आया है अभी, और गिरा भी नहीं है, खाली पत्ते लगे हैं इसमें। तो देख सकते गाइस, मैं बता दूँ नीचे, ये देख सकते झाड़ पे एक भी महुआ नहीं लगा भी नहीं है और गिरा भी नहीं है। तो लगेगा तो तभी तो गिरेगा ना गाइस, बट अभी तीनों भी महुए में कुछ महुआ लगा नहीं है। और गाइस अभी आगे चलते हैं अपन, और एक झाड़ उधर पीछे है जो कि खेत के धुरे पे है, लास्ट पे। तो गाइस हो सकता है वाला महुआ गिर रहा होगा, तो अभी फाइनली वहाँ पे चलते हैं अपन। और थोड़ा सा खेत दिखा देता है मेरा, तो देख सकते गाइस कुछ ऐसा है। और ये कुआ है जो कि ये पूरा खस गया है कुआ, और इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है। और ये मेरे बाबा का कुआ था ये वाला, बट बाबा अभी नहीं रहे, तो अभी अपना ही कुआ है। और ये भी सारी बाबा की ज़मीन थी, और ये भी बाबा अब मेरी है। और अभी मेरा खेत इसके बगल में है, इधर देख सकते हैं, इधर ये झोपड़ी दिख रही है, झोपड़े के उधर अपना खेत है। और गाइस यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे पानी नहीं होने के वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही फसल होती है सोयाबीन की, और दूसरी फसल नहीं होती है, क्योंकि इधर साइड देख सकते गाइस, इधर इनके यहाँ पे पानी है, तो इनके यहाँ गेहूँ भी होता है, बगेद भी होता है, बट मेरे यहाँ पे कुएं में पानी नहीं होने की वजह से सिर्फ एक फसल होती है, वो भी बरसात की, सोयाबीन की। बट कोई नहीं यार, अब धीरे धीरे करना पड़ेगा। और घर में यार मैं अकेला ही हूँ करने वाला, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट नहीं कोई नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज कर लेंगे, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। और ये झोपड़ी जब मेरे बाबा रहते थे, डॉक्टर बाबा, तो वो यहीं पे रहते थे खेत में, बट वो अभी दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से झोपड़ी भी वैसी हो गई, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे। और हम लोग भी गाइस बहुत कम आते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा आने नहीं पड़ता है, और एक फसल होने की वजह से सोयाबीन के टाइम में ही आते हैं, बट फिर उसके बाद नहीं आते। और गाइस इधर बता दूँ तो ये अपना कुआ है, तो गाइस ये भी ऐसा ही है, और इसमें भी पानी है नहीं, क्योंकि ये भी पूरा बुझ गया, बट यहाँ पे पानी दिख रहा है, देख सकते हैं गाइस, ये थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे है। तो ये क्या होता है गाइस कि इधर साइड में बगेत लगाया है, तो उसके अंदर पानी बोलते हैं, तो उसका जो सिपेज होता है वो हमारे कुएं के अंदर आता है। और अभी देख सकते थोड़ा सा बरसात है, तो थोड़ा मिट्टी चिपक रही है जूते में, बट इधर पीछे बता दूँ तो गाइस ये अपना आम का झाड़ है, इधर एक बहुत बड़ा झाड़ है, और इसमें दो चार डलियाँ आई है आम की, एक इधर साइड में, एक इधर, और कुछ पीछे साइड में, ऊपर नहीं लगे हैं। तो दिखा दूँ गाइस पास में जाके, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कैरियाँ लगी है छोटी छोटी, और ये देख सकते हैं। और गाइस ये भी मेरा ही झाड़ है, और अभी अपन नीचे चलते हैं महुए के झाड़ के नीचे। और ये है मेरा खेत जो कि बंजर पड़ा है, और अभी इसमें काम करना, बहुत बहुत सारा काम करना बाकी है, क्योंकि गाइस अकेले होने की वजह से बहुत सारा घर भी देखना पड़ता है और इधर खेत भी देखना पड़ता है, बट अभी क्या करें यार, करना तो पड़ेगा, लोगों के पास इतनी भी ज़मीन नहीं है, और अपने पास है तो अपने से करना नहीं हो रहा, बट करेंगे यार कोई नहीं। और पीछे बता दो तो ये वाला जो आम है ये सबके लास्ट में आता है,
बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक आम भी नहीं दिख रहा है उस पर। और गाइस बता दूं कि इस साल आम बहुत कम आए हैं, बहुत कम आम आए हैं, क्योंकि पता नहीं अगले साल बहुत आए थे, किसी साल कम आ जाते हैं, कम होते किसी साल ज़्यादा हो जाते हैं। बट अभी फाइनली अपन महुए के झाड़ के नीचे आ गए और देखते हैं महुए गिरते कि नहीं गिरते। और गाइस ये देख सकते हैं, ये महुए का झाड़ है और इस पे गिरे हैं महुए। और ये अपना धूरा है यहाँ से, ये धूरा पत्थर का जो बंध्यान दिख रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ से धूरा है, ये अपना झाड़ है और उधर तक टुकड़े टुकड़े में बटा है। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली अपन महुए के झाड़ के नीचे आ गए इधर। और नीचे बता दूं तो ये कुछ गिरे हैं महुए, एक एक दो दो, ये देख सकते ऐसे महुए गिरते हैं गाइस। ये देख सकते गाइस ये। तो गाइस अभी अपन महुए बीन लेते हैं यहाँ के और उसके बाद में फिर गाइस फाइनली हमने महुआ चुन लिया है और काफ़ी टाइम से महुआ चुन रहे थे, एक घंटा हो गया हमारे को, एक डेढ़ घंटा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते पूरा कचरा है और इसको अभी साफ करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, क्योंकि हमने आज माचिस नहीं लाई है। इसको इकट्ठा जमा करके, जो सूखे पत्ते हैं उसको इकट्ठा जमा करके हम इसको लगा देंगे अंगार। और ये देख सकते ये महुए का झाड़ इधर ऊपर, और ज़्यादा नहीं आया गाइस, ये एक ही महुआ का झाड़ आया है जो कि देख सकते हैं कम से कम एक आध किलो महुआ गिरा होगा। बट इसको बहुत टाइम लग गया हमारे को, एक डेढ़ घंटा लग गया बिनने के लिए। बट कोई नहीं यार, वो बोलते ना मेहनत करो तो फल लेट मिलता है, ऐसे ही कुछ ये भी है। और गाइस इससे बता दूँ, ये जो महुआ है इससे गाइस दारू उतरती है, दारू, महुआ दारू, महुआ फ्रूटी बोलते हैं उसको। और गाइस इसको सुखाया जाता है, सूखने के बाद में इसको जितना पुराना महुआ रहता उतनी अच्छी दारू उतरती है। बट अभी हम इसको घर लेके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8 बज गए हैं और अभी घर चलते हैं, और घर पे भी थोड़ा सा काम है। तो अभी तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ रोड पे, और अपनी गाड़ी खड़ी थी वो वहाँ पे नदी के पास में, और खेत वो कुंटे में उधर बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर, और अपने घर से पड़ता है समथिंग 2 किलोमीटर। और अभी मैं बता दूं कि अभी हम मेन रोड पे है देख सकते हैं, और इधर विशाल बैठा है पीछे, और मैं अब यहाँ से अपन घर पे ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बाइक मेरे को ही चलाना है और विशाल पीछे बैठा है। तो गाइस अभी करते हैं अपन ब्लॉग घर पे कंटिन्यू। और इधर देख सकते गाइस ये है रोड, और यहाँ से अपने को जाना है घर के लिए, तभी चलते हैं। अभी अपन घर पे आ गए महुए लेके, और अपन डाल रहे हैं टीन पे महुए सुखाने के लिए। अभी देख सकते तो गाइस फाइनली अपन ने टीन पे डाल दिए महुए, और गाइस अपन आज का ब्लॉक यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा भी हो गया आज का ब्लॉग। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को ऑन पे प्रेस कर देना, और नहीं पसंद आया हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, बट पसंद आया होगा तो प्लीज़
सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।